9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and game. हेलो दोस्तों, आई एम अजय शर्मा। एक बार फिर मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। आइए हम टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग हमारे देश के प्रति ऐसी सोच रखते हैं, वो कहते हैं हमारे देश में बहुत ज्यादा करप्शन है, हमारे देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, हमारे देश में जहाँ देखो वहां गंदगी गंदगी है, वो ऐसे सोच रखते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक रियल स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपकी सोच बदल जाएगी हमारे देश के प्रति। दोस्तों, 1936 की बात है, भारत और जर्मनी के बीच हॉकी का वर्ल्ड कप फाइनल था, जिसमें हमारे देश के एक महान प्लेयर मेजर ध्यानचंद लगातार 15 गोल डालकर उन्होंने हमारे देश को विजय बनाया। ये मैच 25,000 लोग देख रहे थे, उसमें से एक उस समय का तानाशाह हिटलर भी मैच देख रहा था। उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई व्यक्ति गेंद को हॉकी से चिपका के लगातार 15 गोल डाल दे। उसे लगा कि हॉकी में कुछ ना कुछ एक चुंबक टाइप का है, क्यों ना हॉकी को चेक किया जाए। उसने आदेश दिया कि हॉकी को चेक किया जाए। हॉकी को तोड़ा गया, हॉकी में ऐसा कुछ नहीं निकला, तो हिटलर परेशान हो गया। हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को अपने घर बुलाया और उनसे पूछा कि आप हॉकी के अलावा क्या करते हैं। तो मेजर ध्यानचंद ने कहा, मैं हॉकी के अलावा भारतीय सेना में हूं। तो हिटलर ने कहा, तुम्हें तुम्हारे देश ने क्या दिया, तुम मेरे देश आ जाओ, मैं तुम्हें एयर मार्शल बना दूंगा और बहुत सारा पैसा दूंगा। मेजर ध्यानचंद ने मुस्कुराकर कहा, मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे आगे बढ़ाए, देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे आगे बढ़ाए, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे देश को आगे बढ़ाए, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे देश को आगे बढ़ाए। दोस्तों, अगर हम सबकी भी सोच मेजर ध्यानचंद जैसी हो गई तो हमारा देश बहुत आगे निकल जाएगा। जो लोग कहते हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा करप्शन है, मैं उनके लिए कहता हूं कि करप्शन फैलाने बाहर से कोई लोग नहीं आ रहे, हम ही लोग हैं जो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे देश में गंदगी फैलाने कोई बाहर से नहीं आ रहे, हम ही लोग हैं जो हर जगह हमारे देश में गंदगी फैला रहे। हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों ना हम एक बिजनेस स्टार्ट करें, खुद को तो एम्प्लॉयमेंट दे, साथ में 10 लोगों को भी एम्प्लॉय दे। आप लोग कहते हैं कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, आप समस्याओं क्यों सोच रहे हैं, आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते, आप संकल्प क्यों नहीं लेते कि मैं मेरे देश को बदलूंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं मेरे देश को आगे बढ़ाऊंगा। देश की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझको और हमको आगे बढ़ाए, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे देश को आगे बढ़ाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि और भी फ्यूचर में मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जाएंगे वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, इससे मुझे हौसला मिलेगा और भी मैं इससे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू। लास्ट, जय हिंद, जय भारत, भारत माता।